पक्के सबूत ले लो, किताबा ले लो, वचना ले लो, एक नहीं कई ने कि भाई राजू, ए राजू शावा 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 नचूंगा, नचता सही आजा। ये आप कहीं फोटो सुन गल दे तो सही। हाँ इधर आओ भाई, छोटी दोनों दोनों में। तेरा बाबा केड़ा है? आ देखो भाई, आ देखो इधर, तेरा इधर इधर आ देखो भाई, तेरा बाबा केड़ा है बोल, ओनू ओदा पूछ, ओनू पूछ तेरा बाबा केड़ा है। ओ कहूगा एक उथे बैठी है, वो चली गई उथे फरीदाबाद। वो कहूगी तेरा बाबा कहूगा सुनिया मुझे भज नहीं कर दिता है इतने डॉक्टर का मुंडा उथे फूक आ रही। वो जाना बुढ़ा कह गया सी मैं भज नहीं किया, नाम भी ओह जी सी आज ते मसान जी को आया कि तू भजन तो किया नहीं हूं। पोते नु लिया, पोते नु नाम नहीं दिता ओदे कि तेरा टाइम नहीं आया, कई दफा पेश होया कहना पोते नु कहीं तेनू आ सिखाई जाऊगा तू करी जाई, तेने जन्म फिर इसे कर जाना पाऊगा। हूं ओ पोते दे मुंडा बनिया हो दादा, जिस जरा तकड़ा होया दादी नु कहना तू तो मेरे घुंड कढ़ दी हुंदी सी, आ ट्यूबवैल लगदा सी। वो कोल बैठा सी कहन लग्या कच्चे कूता मैं लाए ने पक्के नहीं लाए, असि तो खनी कहा ना कढ़दे हुंदे सी मिट्टी बाल्टिया कढ़दे हुंदे सी सुनिया। ते फिर मल सिंह कहन लग्या ये कच्चे कू लाउंदा हुंदा सी देख लो, फिर उन्हें ऐनक पई सी अलमारी साफ करते करते ऐनक देख ली, कहंदे तो मेरी है अभी तेरी कर दे, अभी जमें बुढ़ा हुंदा सी लीर मैं बनी सी, कहंदे इत्थे लीर बन लैंदा पुराने बुढ़े बन लैंदे सी, अखिल मैं बनी सी देख लो। ओ कुकड़ी कुड़ी है ओ कहंदी अखे मैं बाबे नू एडे एडे बतीरे खिलांदी हुंदी सी, मेरा अखे प्यो तां कसी दा कम करदे दादा करदा सी खादा ते मैं रोटी पकांदी, फिर तू क्यों आ गई? अखे बाबा लै अभी लंगर सी रोटियां पकाया करनी इन्नी कह। वो जिहड़ी उत्थे है ना फरीदाबाद गई है उन्होंने हसन लग जाने ना, वो कहन लगी वड्डी वो छोटी है वड्डी नू कहंदी कहंदी अखे असि हसन लग जाने ना, अखे तेरा बाबा तो अखे की कहंदी सी भुले गया दंद कढ़दा दंद कढ़दा, ते फिर वो असि बुलाया अस गया वो आई नहीं कई दिन इतने आए थे, मां ने पूछा भी तू गई ना, कहीं मेरे पूछना तेरा बाबा केड़ा है, थोड़ी देर मगर रोन लग गई मेरा बाबा दिखाओ, देखो कि गल याद है मेरा बाबा दिखाओ, उन्होंने सारे लगा फिर कह लगी वो तो दिल्ली गए थे, इन्हें ही पता है। अगले दिन उन्होंने पूछा सी नाम याद है, कहीं याद है किन्ने नाम से, कहीं चार पहले चार देंदे सी ना, कहीं चार फिर जन्म लेने पैने नहीं तो जब तक रूह साफ ना होकर जा नहीं सकती। तो सुनो इन्हें सबूत कट रखे ने, सुनो सुनो सब ठगिया ने, सुनो ये हिसाब नाल काम है छोटा जा तेरा। हाँ देख हाँ हाल है बीती जवाब सारा पहले सवाल तेरा की है सारे खराब किया तो मेरे तेन बेचारा जी इतने ही गल ना करें करना भी इतने बोले सीखने की पिछले भंडारे से सरदारी आया रात में उन्हें बोलिया यही गल अस चुप करके सवेरों सत्संग होया ना जिस वक्त अस के सरदारी फलानी गल बोली तो सामने हुई सी उन्हें नाले हुई सी
रामपुरे बागड़िया नेकी राम घोड़ी वगैरा कढ़े सी, ये बेर खान चले गए। ये कहन लग्या सरदारी नूं, कहन लग्या सरदारी ਸਾਂਝੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਕੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਨੇਕੀ ਰਾਮ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਰਾ ਲਾਇਕ ਲਾ ਪੈਤਿਕ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀੜੂਗਾ, ਪੈਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਨੱਚ ਕੇ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੇ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੋਲਦਾ, ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ? ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਤਾਂ ਅਜੇ 63 ਵਚਨ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਰਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਬਾਈ, ਉਹ ਮੱਲੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਨਾਂ ਜਪਾਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਲਟੀ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਮੌਜ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਵਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਯੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਰੇਗਾ, ਯੇ ਮਨ ਧੋਖਾ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ, ਉਸਕਾ ਟਾਲਣਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕਾ ਮਾਨਣਾ ਹੀ ਵਜਨ ਹੈ। ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ, ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ, ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੋ ਵੀ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮਨ ਕੋ ਮਨਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂ ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੋ ਆਪਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਕਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਦੇਗਾ, ਮਗਰ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਦੋਨੋ ਜਹਾਨ ਕੇ ਸਾਥੀ ਕਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਵਾਏ। ਖਤਰਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਦ ਅਰਜ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਤੁਮਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ। ਆਖਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਣੀ ਭਜਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਬਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਰੂਹ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਮੁਕਾਉਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਸਾਨ ਹੋਤਾ ਤੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਜਨ ਕਰ ਲੇਤੀ, ਔਰ ਯੇ 52 ਲੱਖ ਫਕੀਰ ਤੀਰਥੋਂ ਪਰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਖਾਤੇ, ਜਿਨ ਫਕੀਰੋਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਪਿਓ ਮਿਲੇ ਤੋ ਕੌਣ ਦੁਆਗਣ ਹੋਏ, ਫਕੀਰੋਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿੜਦੇ ਗੁਜਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਂ ਕੋ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਖਣ ਔਖਾ, 12 ਸਾਲ ਰੋੜੋਂ ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਬੋਲ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲ ਸੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਬਰਾਗਣ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ,
देख लो नजानी सत्याल देखो फोड़े बिच भी किन्नी तकलीफ सी भाई उस वेले भी बैठ के सन दिखाते बैठना पैंदा है बोलो उन्हें की लोड़ सी हां हां गुरु अमरदास किले पर केस टांग के गुजारिया मन के मारने की और कोई दवा नहीं है सिर्फ सिमरन है सिमरन करते जाओ अंदर से पांचों चोरों की गड़त निकलती जाएगी सुन लिया नहीं तो कट के दिखा दें अच्छा सुनो बेशक तुम्हारा बेशक तुम्हारा बाहर सतगुरु पूरा होवे पर ओ खड़ा होके खल चलाएगा क्यों जिन्ना पाप तुमने इकट्ठा किया वो तेरे को चुकना पड़ेगा उसने बोला कि दो वक्त बैठो बताओ कोई दो वक्त बैठने वाला चाहे मन रोए चाहे मन पिटे दुकान पर बैठा जावे अगर कोई दुकान से कोई ना आवे फिर तो वो अपनी मजूरी लेगा सो सारा खंडन है बस एक दूजा तुम्हारी खल उगती छिली जाएगी उगती खल खली जाएगी क्योंकि पूर्ण ताकत बाडी में आई उनका सिमरन मुख नूर का तुमने छड़ बैठे तुम्हारे वास्ते औखी बनेगी उनका एक मिनट भी सिमरन नहीं छटना चाहिए क्योंकि वो सदा सुखों का दाता था इधर दया मेर बहुत है दादू साहब ने लिखा है जेता पाप सब जग करे तेता नाम बसारे होई दादू राम संभाली इतना डारे होई कोई कम असि कर दे उतरे दा मशीन ते हाथ नाल थोड़ा होंगे ठीक है जो बनाने वाली चीज का वो भी थोड़ा होंगे जो बिजली तला दिए तो बिजली तला दिए फिर मिनट च कर दूंगा ये पूर्ण ताल का जो सिमरन है ये मिनट च मैला साफ करता जाता है यदा बसारना भी उन्ना पाप है वचन हजारा आदमी नाम लेने ते आशिक होए आशिक नाम सदावन औखा सौखा उस पर रहना है नहीं नहीं बोल बस बोल के जे हो इस तरह मस्ती हाँ जी आशिक नाम सदावन औखा वो बोलते हैं कि सारों ने सिमरन लिया पर जपे कौन वो बोलता है कि बाजार का नमूना समझा बाजार का सौदा बाजार का सौदा समझा बाजार का सौदा है फिर बोलो भाई सुन लख लख लानक जेड़ा नाम लेके जपदा नहीं ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं और सारे पाप देला जितना पाप सब जग करे तेता नाम बसारे होई ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं हाँ ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं और सारे पाप उतर जाएंगे क्योंकि वो पाप तो राम उतार देगा जो राम से ठगी करे वो किस तरह उतरे गौ हत्यारा बख्शा जाएगा गुरु हत्यारा नहीं बख्शा जाएगा बख्शा तब जाएगा जब शैतान मन का कहा ना करे बस गुरु की रजा पर चले चंगी कटाई हूने कटे ने फिर हूने हाँ सुनो भाई हाँ देखो हाँ सुनो सेवा वैसे भजन च है फिर भी सुनो की कहने
कल सेवादारों ने सच्चे पातशाह से अर्ज की कि हमको बगैर भजन किए बख्श दें। सच्चे पातशाह ने फरमाया कि भजन तो करना पड़ेगा, एक गल झूठ है। झूठ है हैं? सारे ही सुनो भाई, और सुनो आप पढ़ भाई। संगत जान लगी हाँ क्या हाँ जी उन्होंने उन्होंने कहा दूजे फैसले कर दें। अच्छा उन्होंने कहा जी सच्चे पातशाह आप दया रखिए। हजूर हंसकर अंदर चले गए। मेरे मन में विचार उठा, हजूर ने जवाब नहीं दिया, हंसकर चले गए हैं, क्या बात है। मैं भी पीछे पीछे साथ चली गई, हाथ जोड़कर प्रेम से पूछा, हजूर सच्चे पातशाह हजूर दया के जवाब में हंसकर आ गए हैं, आपके घर दया की क्या कमी है। कहने लगे देखो काकी दया बहुत है, कोई लेता नहीं है। मैंने विनती की सच्चे पातशाह सतगुरु की दया भी किसी को बुरी लगती है। हजूर इतने बड़े खजाने के मालिक होकर क्यों सूम हो गए। कहने लगे जिस समय मैं दया लेकर लोगों के घरों में जाता हूँ तो लेता कोई नहीं है काकी। मैंने मूर्खता से पूछा किस समय जाते हैं आप। हजूर जी ने कहा रात को 2 बजे से लेकर रात 6 बजे तक दया की टोकरी लेकर घर घर जाता हूँ। कोई कोई भाग्यवान लेता है, बाकी सब वापस ले आता हूँ। हजूर इसका क्या कारण है। हजूर ने कहा काको कोई तो सो रहा होता है, कोई घर के कामों का गुणवान करता है, कोई विषय विकार में लगा रहता है, कोई भजन में बैठा ही सो रहा होता है, कोई प्रेमी जो प्रेम से भजन करता है वह दया लेता है, उसको मैं दे देता हूँ, बाकी सब दया उसी तरह वापस ले आता हूँ। बस अच्छा हम बोल भाई करे कराए कर भाई। सुनो भाई सुनो ना ना ठीक भी कर भी कुछ नहीं सकता, दोनों ही गल्ला ने सुनो की कहने सतगुरु अपने सेवक की आप तेरा है, अपने सेवक की आप तेरा है, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, अपने सेवक की आपे राखे, अपने सेवक की आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे, अपने सेवक की अपने सेवक की आपे राखे। जय जय काज
की जय जय काज की उत सेवक की अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे राखे ठीक है क्या पी दी का शोरबा ठीक है की भजने कर सकता जेड़ा हुक्म मनना है वो भजना ये बिठावे क्या मन लगे क्या नाले कोशिश करे दो वक्त जरूर बिठावे पता नहीं केड़े वेले मजूरी दे दे मजूरी वो दिंदा है कहने वो तो दुकान ते नौकर बैठा है गाहक आवे या ना आवे कोई तनखा तो खरी है कोई तनखा खरी है तुसी बैठो फिर थोड़ी तनखा खरी है क्या मन लगे क्या कोशिश करे हां नहीं हुंदा है पेंशनी है कोई नहीं हुंदे ऐ पेंशनी कोई नहीं हुंदे ये पेंशनी हो गए तो मजूरी भी पता लगे बोल अगर कोई निशानी भी होंगी कि नहीं सुनिया तेन कि मजूरी तेरे हुक्म हो जिन्होंने पेंशन दी से उन्होंने भी खराब कर लिया हुक्म ना मनिया बोल बोल भाई हां हुक्म मनना ही भजना बाकी कोई भजन नहीं वो बिठावे पता नहीं कि मजूरी देवे सुनाया सी पढ़ भाई पढ़ो हाँ सुनो एदा नाम है आपे जपावे उन्हें क्या दो बार आया थोड़े वास्ते मैं थोड़े संभाल करना आया तुसी ऐ करो इन्हें मुकाबला करके बैठो तुहानू मंजूरी देंगे असी तुसी बैठो तो सही एदू सिखाला होर कि आपे नाम जपाए हां एदा नाम आपे जाए ओदी दया बगैर फकीर नहीं मिलता जे फकीर मिले फिर ये ओदा हुक्म मनने हुक्म मनना ही भजन है सतगुर वचन वचन है सतगुर पादर मुख जनाब हो गए परे खरोए ऊंच तो बैठन हां सतगुर नाम ते आवो गए हां लगे रहे हां तुम्हारा बाहर सतगुरु पूरा हो पर वो खड़ा होके गल चलाएगा क्यों जिन्ना पाप तुमने इकट्ठा किया वो तेरे को चुकना पड़ेगा उसने बोला कि दो वक्त बैठो बताओ कोई दो वक्त बैठने वाला चाहे मन रोए चाहे मन पिटे दुकान पर बैठा जावे अगर कोई दुकान से कोई ना आवे फिर तो वो अपनी मजूरी लेगा तू गाहक आवे ना आवे मजूरी है ना खरी तू बैठ तेरी मजूरी है बैठ आ सुनो आ सच्चे पासे तो वचन ने जे जिथे आन गए जे कहे वो भी सूत कढ दन्ने आ इथे लिख के सारे नोट कीते ने हां सुनो करे करावे आपे आप हां उन्हें क्या लिख देने राम सिंह डोगरा हां हजूर वाणी कहंदी है करे करावे आपे आप महाराज जी जब तुसी अंदर जाओ ता ओ प्रेमी एने इथे तो मनदा क्या करो ते फिर करे कराए आपे आप करो तो मन ए कौन कहंदा भी आपे छड़ाऊगा मन ठग हां ओही प्रेमी सच्चे पातशाह असी कोशिश ता बड़ी करदे हां महाराज जी कोशिश ही ता नहीं करदे जेकर कोशिश करिए ता ओहो शब्द रूपी गुरु उने अंदर ले जान नु तैयार है तैयार है ओही प्रेमी ओनू ता साडे नाल ज्यादा जल्दी है सोच तेनू किन्नी चिंता फिक्र लगी वे मुंडे कम ते लग जाना
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਕਦਾ ਜਾਣ। ਸੁਣੋ ਬਸੇ ਸੁਣੋ ਠੱਗੇ ਮਨ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੈਨਾਂ ਹੈ। ਏਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੈਨਾਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਵਕਤ ਏਡੀ ਦਿਆ ਮੇਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰੂ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਰਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਚ ਉਸ ਨਨਾਊ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਸਾਂ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਨੇ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਨਾਊ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੀ ਮਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਗੁਰ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਨੀ ਮਾਂ, ਬੋਲ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆੜਤੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਜੇ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਨੇ ਤੀਨ। ਸਜਵਾਸੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੱਜ ਆ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਖਾਰਜ ਚੰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨੀ, ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੂ ਤਾਂ ਚੜੂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜੂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਬੋਲ ਨਨਾਊ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਬੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮਸਦਾਰਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ। ਬੋਲੋ ਤਾਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਗਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਯਾਦ ਕੈਸੇ ਆਏਗਾ। ਦੋ ਵਕਤ ਬਿਠਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਕਰਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ ਨਾ, ਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਰੂਹ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲਿਕ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭਜਨ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਭਜਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਢਾ ਮਾਸਟਰ, ਦੇਖ ਲਓ ਬੁੱਢਾ ਮਾਸਟਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਪਾਈ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੰਜਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਪਾਣਾ ਕਮਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹੈਂ ਯਾਦ ਆ ਮਸਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਕੋਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ 12 ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬੋਲ ਅੱਛਾ, ਮਸਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਸਾਂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਕਾ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਰੂਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਦੋ, ਹਾਂ ਮਸਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,
जब तक है गल सड़के हुई जी ना हो गए नहीं दर्द मोर भाई किमें कर रहे हैं बिच जब तक है साफ ना हो जाए वो भी लिया भाई उपरों जा वो की ना दा वो पंजाबी वाली किताब ले लिया 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 कौन करे हाँ सुन तो सही कड़ी गल याद आई सी हाँ मास्टर दी समझे ना अब हजारा सालों तक प्यार रहूंगा बोल समझे ना एदा ना है हुकुम ना आके बैठे पता नहीं केड़े वेले मेहर कर दे ओदा ही हाँ सुनो ओ बोली जरा कर क्या है हाँ आ पढ़ करे कराए सुनो भाई करे करावे आपे आप राम सिंह डोगरा हजूर बाणी कहंदी है करे करावे आपे आप महाराज जी जब तुसी अंदर जाओ तां ओही प्रेमी सच्चे पातशाह असी कोशिश तां बड़ी करदे हां महाराज जी कोशिश ही तां नहीं करदे जेकर कोशिश करिए तां ओह शब्द रूपी गुरु हुणे अंदर लजाण नूं तैयार है ओही प्रेमी हजूर बाणी विच लिखिया है ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं दुरदरबारा महाराज जी ओ करा तां रिहा है ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦ ਬੈਠ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾ ਕਿਆ ਉਹ ਆਪੇ ਪੜ ਜਾਏਗਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚੁਨਾਚੇ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਜੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਰਨੀ ਸੀ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਜੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਜੇ ਖੋਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਜਨ ਤੇ ਹਾਂ ਆ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖਿਆ ਭਜਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਲਿਖੋ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿਹਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਜੀ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਸਭ ਵਕਤ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਹਜੂਰ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਕੋ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚਾਹੇ ਮਨ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਸ ਆਹੋ ਹੋਰ ਲੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਏਕਦਮ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੇ ਬਲ ਸੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਮੇਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ
तो उस जगह नहीं रल सकती जी। बोल हाँ हाँ दसवें द्वार के नीचे रहेगी। जो दसवें द्वार के ऊपर तन निर्मल है उसमें कभी नहीं मिलेगी। बस जबरदस्ती भी ले जाता है। बोल ए लगे रहे की पता किड़े वेले मेर कर दे आवे। चिट्ठी आई लिखने की जी सी मेरे पास जी बैठा सी जाने के मेरे आवाज आऊंगी पे मैंने समझ नहीं आऊंगी इसे दसते नहीं ना। बोल उन्हें लिखे है और टाइम मंगाते सी अपना गुरदयाल सिंह ने ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੀ ਧੁੰਨ ਆਈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਹੈਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੌਂ ਜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਹ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਦਫਾ ਬੋਲ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਅਚਾਨਕ ਆ ਬੂਟਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਉੱਠਿਆ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਅਚਾਨਕ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਚਾਨਕ ਕਲੀ ਬਣ ਗਈ ਅਚਾਨਕ ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਬੋਲ ਬਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੋ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਗੋਡੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਅਚਿੰਤ ਮਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਅਚਿੰਤ ਮਾਰੇ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪ ਆਪੇ ਭਜਨ ਕਰੇ ਨੀ ਔਰ ਮਨਾ ਕਰੇ ਚਰਨ ਦਾ ਸਵੇ ਦੁਸ਼ ਨਰਕ ਹੋ ਨਰਕ ਪੜੇ और उनको उपदेश कर भजन करे निष्काम चरणदास वे हरिजन पहुंचे हर के धाम। हाँ जी अचिंत मारे भोजन पाओ अचिंत मारे लीचे ना अचिंत मारे शब्द अचिंत हमारे परे भंडारा अचिंत हमारे कारज पूरे उस वेले पता लग जरा करता है बहंदा है वो तो कम भी नाल फिर करी जाता है उन फिर तसलियां होर भी मिलती है मैं बैठा औखी कड़ी ने देखने दे अपना फिर संभाले ओ कल ओ सुनाया सी ना टेप ते जांगी साहब दे मुंडे दी ओ गड्डी ते गड्डी चढ़ गई चौथी गड्डी चो सी बोल वे ओ माड़ा मोड़ा प्रेम है ओ भी संभाला है करता है। हाँ हाँ जी अचिंत मारे कारज पूरे अचिंत मारे लखे विसूरे अचिंत मारे ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਝੱਟ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਚਿੰਤ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਮੀਤਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖਾਂ ਆਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ
बैठे सतगुरु तू बैठा तो बहस मेरी कोई ताकत उठे सतगुरु तेरी मेरे ने बैठे तेरी मर्जी मजूरी देना मैं गुलामी करनी बस भोग मोक्ष मांगू ने बाकी दान गुरुदेव और नहीं कुछ चाहिए नहीं सेव बस फिर आप तैयार हो फिर आपे दंदा जंदा मौके मौके ते हाँ अचिंता हमारे वैरी मीता अचिंतो ही ए मन वस कीता बस अचिंते फिर अचिंत प्रभु हम किया दिलासा अचिंत हमारी पूर्ण आशा अचिंत माता सगला सिद्धांता है। मतलब तो है लगे रहे बस बाकी तो छोड़ दे मैं ना करे मैं तो ड्यूटी देनी तेरी मर्जी है बस ये है मुए तो भजन की कर सकता वे अखन जोर चुपे ना जोर जोर ना मंगन जो ना जोर जोर ला ला के थक गए तो दी मेहर है हुक्म मनने का फर्ज है बस हां ये लगे रहे हां जी ये ना करे कराए आपे आप ये ना आपे नाम जपाए हूं पता नहीं कड़े जपना फिर पता नहीं बोलो हा? फिर मन नहीं लगता तू को मन आपे मजूरी देऊ जब मजूरी जमा होंगी जाऊ अंदर खजाना हो गया ना बैठता रहा खजाना हो गया ना फिर पता लगन लग जाता जब थोड़ा घना जमा होया बाकी ठीक है कि नहीं बाकी तू अपने जिद चलने बेशक कर फिर ओही गल आई ना सुन गल मापे फिर डंडा भी चक लेंदे ने फिर जे ओ सुधार दे ने ओ कहंदे चंगा फिर आए नहीं आए सही ए तां ठीक है किसे नूं कुट्टण नहीं दंदा किसे नूं तां नहीं कुट्टण दंदा ए ठीक है पर कुट्टदा तां है कि डंडे खा के जरूरी है डंडे डंडे खाना जरूरी ने जे परमास नाल मन जे तां चंगा है जन्म देने पैंदे ने सुनो गल गुरु नानक साहब तो अजीब सी खोटे कर्म कर पैसे महाराज इधर उधर होया ना भजन जी नरक भेजे ना भेजे कढ के लिया बाबा जी चिता अजीब सी वह भी कुछ इस तरह कर बैठे नरक च गया सचवाश नु भेजा बोलो सचवाश कढ के लिया ने लिया पता ना सारी दुनिया सुन सुन क्या खराब हो गई तन तन आ सुनो उन्होंने कपड़े दिते जानते नहीं सी प्रेमी तो कहते ना जाओ थे सुनो क्यों गए सुनो प्यो हाँ तेरा प्यो हो गए तू उन्हें कहे कोई कम कहे कोट खाने जा तू कहे की कर लेना उठे चंगा लगता है ते तू जरूर भेजे ना ते फिर हाँ सुन आ तू तो वो कम करना हाँ जो कोड़ी प्रसाद लेने आवे तो दीन दयाल जी दया के समुंदर उस बेचारे पर अमृत भरी दृष्टि डालने के लिए पूछें क्यों भाई कमीज ठीक है तेरे नाप की आ जाएगी हजूर जी का असली मतलब तो ये था कि हमारी और देख लें दर्शन अच्छी तरह कर लें इनका भला हो जाए
कोई तो देख लें और कोई चाहे हजूर साहब कितना ही बुलाएं, दया सागर की ओर देखते नहीं थे। साडे सामने की गल था सुनाया तो जल सब भी करते सी, एक ओ सी ना ओ किना दा पहाड़ बनने सेठ या कोई सी दा पंडित कने पंडित सी कोई अमीर आदमी ओदा बच्चा सी। सचपाश ने कहा जोर ला लो साडे को नहीं देखूगा, ये साडे सामने की गल है। मामे की लड़की सी रिश्ता कराया थी। थी, बाकी नहीं थी। कर उस वे सचवाशन वचन किया चवारे दे चवारे चला दी दुनिया का पार लिया, फिर उन्होंने हो गया स्टेरिया, इलाज बड़ा कराया, फिर उ चंद्रवंशी को उसे भी कराया, फिर असी लै गए उसे भी कराया। मुकाने से होती शादी के मौके से सचे पातशाह आप आए, पर ब्याह शादी चाहते भी रहते पर उस वे तो खास से क्यों वो कमले मूह करते होंगे सानू डर से उठ ना बैठे। शादी हो गई नसीबा की गल दस दें उस वे नहीं मनता है, जब शादी हो गई आनंद हो गए सचवाश बैठे चाह के जे खड़े ने बीबिया भी खड़िया ने कुड़ी भी आ गई। कुड़ी नु क्या भी सचे पाशाह को नहीं देख, सचे पाशाह ने तुझे रखी उन्हें नहीं देखा नहीं देखा, बोल ऐसे ठीठ मन है। हाँ बोल भाई और दया भी नहीं ली जाती मौके सिर। हाँ मन तो ऐसा है डट करता। हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी कोई तो देख लें और कोई चाहे हजूर साहब कितना ही बुलाएं, दया सागर की ओर देखते नहीं थे। उनको हजूर फरमाए हाय हाय कितने खोटे भाग हैं जो बुलाने पर भी मुंह नीचा करके चले जाते हैं। अच्छा है। मालिक दया कर रहे हो। अच्छा हाँ जी अच्छा मालिक दया करता है मगर खोटे कर्मों का फल मगर खोटे कर्मों का फल जी भाग्य किसके लाए। बोल भाई और कम में बैठूगा ए भाई तू बैठता जा मजूरी तेन देंगे इन्ना भी ना होवे ते खोटे कर्म है साडे उन्हें दया तो की चोला पा के आया नाम देता होर की करे। बोल कहना करनी और दया हा? सुनो कोई मुंडा स्कूल जाता है लेट हो गया वो खड़ा कहे यार रब्बा मैंने पहुंचा यार रब्बा मैंने पहुंचा यार रब्बा पहुंचा पहुंच सकता है जे करुण जरा चक्के वो भी धक्का ला दू। हां कैसे भाई। हां हां एक कोड़ी कोई 27-28 साल की उम्र का था, उसके थोड़ा सा दाग था। हंसता हंसता सतगुरु जी के सामने आकर कहने लगा जी अब तो बस करो। बोल ए पिछे गए सी दस जरूर भेजना। हाँ श्री सतगुरु जी ने फरमाया तेरे लिए ही तो यहाँ आए हैं। मसान जी फरमाया करते सी जेड़ा तो बहंदा है अंदर लड़ाई होती है जेड़ा तो बहंदा है उन तो सतगुरु काल नु कहना देख मेरा बच्चा है याद है काल कहना देखा ना मेरा ना है सतगुरु नाम करता बैठे कुछ भी हो गए। हाँ जी ये ना है आपे ना जपाए आपे करे कराए आपने हम वो की करे हूं दस उन तो आके क्या भी तू बैठ तेन मजूरी देंगे और की इधर आसान और कि गल है लोगों ने इंडे तप किते और किते बोलो पुठे लटके पौनहारी बने कुछ ना बने हूं इधर सरा रास्ता खेड़ा आ गया बोलो। हाँ चलो बस ये तो कम कही नहीं हूं बस भाई नाले सत्संग वधिया हो गया। असली सत्संग असली सत्संग हां मन टाइम किन्ना है के कितना लो हां क्या जी
जीवनी जीव तरह की जीवनी है जिहड़ी गल तुसीं कदे नहीं सुनी सच भाषण तुसीं कदे नहीं पढ़ी हां किसे नूं पता नहीं सच भाषण ने छोटी उम्र च जिस तो पढ़ते सी ना थोड़ा पढ़ के एक गड्ढा बनाया उहदे विच पैसे ते दवानियां चवानियां लवाईयां नाना जी ने पूछा की करोगे नाना जी ने पूछा नाना जी वड्डे सी ते आखे रेट होया करे उन्होंने कहा पढ़ लै नाना जी ने पढ़ाया नाना जी मुंशी हुंदे सी उन्होंने पढ़ते भी रहे ने ते फिर उन्होंने बाबा जी नूं गल कीती भी इस तरह कहंदे किसी होर ने भी तैनूं कहा कहन लगे नहीं फिर साडा हमदर्द होया ना फिर पढ़ एक कितनी गल सुनी है फिर पढ़े से दरदान इस दिन उथे गल चल दिया रही सी घर बचपन च अजीब खेल किए उन्होंने उस वे तो कोई ख्याल नहीं करता अरे तो साखी चुन आया भी है बी जो पहले पेशेंट कोई किसी ने की थी एवं नहीं हों भी इन्होंने घर वा लसाने उतार होगा जो सारी दुनिया च नाम मशहूर करूगा उस वे कोई ख्याल सी छोटी जी उम्र च सजदा जागते रहते सवेरे उठ के दी हुई जोत बनी देखते रहते आ बच्चा जब पैदा हों रोंदा हों ना क्यों रोंदा है वो चीज ने खड़काने काशी की थाली है अंदर होंगी छड़ के आता रोंदा ता खड़काने वो जोत उन्होंने सामने सी वो देखते सी पढ़ते इन्ना तो खुलिया पहला तो बनिया बनाई रूह आंदियां ने जोत बनी देखी जाना असी जाना ते बाहर तो निकलते नहीं छेती छेती बाहर तो निकलते नहीं होंगे सी किसी ना ना मुंडे ना खेलते सी एक लड़का एक दफा कहते असी नानकी सीगे ते छुपे रहिंदे सी ते एक आदमी कोल ची लंघिया वो कहन लग्या देख के ये मुंडा तो तुहानू कम नहीं देण लग्या पढ़िया किते ये मुंडा तो कम नहीं देण लग्या असी क्या भी गल की सानू कमजोर करके गया उहनू पता सी बाबा जी को और बाबा किनोदा राम सिंह को जाते हैं बाबा जी ना उन्हें लफ्ज कहे ये भी तुम कि पढ़िया होना कि थोड़े घर के रूहानी देशों का मारिश मालिक आया ये गया से ये भी तुम कि पढ़िया होना ये दो गल्लां कि नहीं थोड़ा मिलनगियां खानदान जी बहुत पता नहीं रानी देशों का मालिक है उस कौन ख्याल करता गुरु नानक साहब का ख्याल किया जब सप ने छाओ की होर किया कि वेला इतवार करता है बाद पता लगता किडे किडे कम किए किडिया मेहनत कीतिया ने जेड़ा बाहर जान कुर्बान नहीं कर सकता भजन च भी नहीं कर सकता इस करके अकराया जाते ने मिसाल आती ना दिन की कोमरी जो वट वर्ष बनता सी जो उन्होंने गन कटन का कम किया तो उन्होंने कहा बी अग ला देनी अंदर हम कुछ मार हो गए तो सच भाग पानी पीन लगे तो उन्होंने अंदर जाके अग लाती हूँ अग उ देखी भी इतने तो लानी नहीं सी इन्नी तो सच भाग कह सारी तो जान सो गई जान कुर्बान करती परवाह नहीं की कम जूठी थी देख ला है कहते सत नहीं अफसर ने भी रोकया कहते नहीं गए तो सतगुरु ने मेहर की फिर जो करता अगर पता नहीं आपे बुझ गया अगर सोचो जो उ मेहनत करता है तो इतने भी कर सकता जो इतनी आलसी है तो उत्थे भी नहीं करना तो ताही दिन भर रात सेवा होंगी भी फिर भजन च भी शौक पे इस तरह मेहनत दिन भर रात है जो जान कुर्बान नहीं कर जाता तो सिखाला मिलता ही नहीं देख लो कि मेहनत की जवानी की मौत मरना है सिखाला सारी दुनिया
इश्क इश्क तो सारे करते ने। ओ भाई ऐ कर तो कड़ लेंगा उठो। ये गल सी केड़ी गल कर दे सी मेहनत दी। हां इश्क दी इश्क इश्क तो कर दे। सुन सुनाने इश्क दी गल। इश्क इश्क गल्ला ही मार लेनी सिखाड़ियां ने। प्रेम हो इश्क है जिन प्रेम है किसी ना प्रेम पै जाए फिर बीबी ना प्रेम पै जाए या बीबी का मर्द ना प्रेम पै जाए दिन पर रात ख्याल ही रहना क्या ये तो ना इश्क है। बोल भाई इश्क तो यह ना है जद प्रेम है याद है तो फिर सिमरन आपे हो गया। बोल चीता सी बना ली कुछ और तो दिन पर हर वक्त ख्याल है। सही भाई उस लिखे क्या जिनू सिमरन ना प्रेम नहीं उन्हें इश्क की हवा नहीं लगी। इश्क तो अज हर वक्त याद रहे ये ना है इश्क गल्ला नाल नहीं। नौ फड़ लिया इश्क इश्क अज तक उ पढ़ते खुल जाते ने यह अज तक पढ़ते एक मिनट ही जाता फिर तक कमाई होंगी प्रेम पैदा करने वास्ते जे बहन रहा तो तड़प उठूगी तड़प करता कर फिर मेहनत करता फिर कुछ होर करा फिर अहंकार च हो जाता थोड़ा घना जो अहंकार है फिर देखता मेरी तो पेश नहीं जाती फिर रोंदा पिटदा फिर कोई दया मिहर आती है। इश्क है कि एक मिनट भी नहीं भुलता होता जिन्हें इश्क लग जाए भुल दिया बोल भाई है नहीं ना भुलता बस ये सिमरन है साढ़े नालों तो इश्क निंदकों को होता जाते वह भुलते ही नहीं गाले कढ़ी जाएंगे देख लो बिलकुल सुनो सिमरन तो किया तू तो करता नहीं हूं तो मिल गया। आ सुन आ देख इन्हें हूं आपे फूल कढ़ ली आंडे खाधे ने शराब पीती है पहला तो क्या भी है यो जो बोलता सी आ देख ला हूं ये फौज तक ये पुलिस बड़ी है अंदर फड़ लेंदी जी गल याद आई थी डट कर जिदन नाम मिल गया समझो ए भर्ती कर देना सुनो साढ़े एक लड़का पढ़ता हुंदा सी असी कमजोर ओ नैतसील भर्ती हो गया डायरेक्ट उन्होंने कोर्स करना पैंदा दस बारह सालों तक कोर्स नहीं होया अधिकारी तो हो गया तहसीलदारी का मगर कोर्स करके होंदा समझे ना इस तो जितने नाम मिल गया सच कहने का अधिकारी हो गया कोर्स करना बाकी है चाहे एक जन्म च कर ले दो च कर ले अठा जन्म चीता तीनों का धर्मदास का बोल वास्ते चौरासी नहीं सतगुर संभालूगा जरूर सतगुरु संभालूगा भी चाहे कुछ भी हो गए मगर जब तक रूह साफ ना हो गए जा नहीं सकती चौरासी नहीं है वास्ते वो महकमा ऐसा है पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम जे मैं हरू राम की जो जीतू तू राम समझे ना ये महकमा जरा चौथे लोग का ये अड्डा है दूजे नाल समझे ना जिन्होंने उत्थे नॉन रजिस्टर हो गया
सेंटर का आदमी है, इतने चपड़ासी है हरियाणे च, जो कोई गुनाह करे ओरी सजा तो खाऊगा, सेंटर से पूछ के सजा दे सकते ने, हरियाणे वाले मुंह तो कुछ नहीं कर सकते। बोल भाई कल भी पूछ के कर दिया, बोल भाई ये महकमा है साहब। हाँ जी सत्संगियां ने आपस विच बहुत बहुत मिलत रखनी जी, क्योंकि तुसी सब इको हो जी, ते सतगुर पर पक्का भरोसा करो कि एक रोज सानू नाल लै जाणगे जी, ते जो कोई साडी निंदा करेगा, सुनो, ते जो कोई साडी निंदा करेगा तो घबरा नहीं जाना चाहिए जी, संतों की मौज हुंदी है, जिनको भजन दिता है उसको तो वो उधार चुके हैं, जो जो भजन संदे नहीं उनको निंदा करा के उधार करेंगे। उर्दू कौन पढ़ू भाई, हिंदी पिछड़ा उर्दू आ जा है तो लम्बा चौड़ा है, छोटा थोड़ा थोड़ा जा पढ़ लिए, थोड़ी जी गले पढ़ लेने आते हैं। नहीं गोविंद मदान से पढ़ाना थी एक दफा हजूर ने बातचीत के दौरान फरमाया कि भाई मैंने तो भजन श्रवण कुछ नहीं किया, मुझे तो बाबा जी महाराज ने किया कराया ही बख्शा है, 7 साल सब्जियों में पानी पी के फिर भी कहने से कुछ नहीं किया, सब शादी बख्शिश है, इतनी चीज महंगी है वो। भाई बंता सिंह जो पास ही खड़ा था कहने लगा हजूर वो 6-6 घंटे और 9-9 घंटे का भजन और 3-3 घंटे एक आश्रम पर बैठने रहना, कई कई दिन हिल जाए तो भी सस्ता जानो, दिल की सच्चाई ते सच पाश फरमाया करते थी, होर किसी नहीं पता, ये भी असि उथे सुनी है, कई कई दिन ना खाना ना पीना। सुनो 14-14 घंटे पैरां दे पार कहंदे साडे मुकाबले च कोई नहीं बैठे, इको बैठे सी बाबू बज्जा सिंह, लेकिन ओह ते उमेर नहीं हो सकी, ओ नाल बराबरी दे अहंकार नाल सी, ए दीनता ते होर बोल 14-14 घंटे सोचो पैरां दे पार कहंदे साडे मुकाबले च ओह बैठे कोई नहीं बैठे। कई कई दिन ना खाना ना पीना ना किसी से बात करना, हजूर ने फरमाया कि नाम बड़ा ही महंगा है, अगर शीश देकर भी मिल जाए तो भी सस्ता है, शीश दे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाने। हजूर सत्संग में अक्सर फरमाया करते थे कि भजन करना जवानी की मौत मरना है, ये बुजदिल और कमजोर तबीयत का काम नहीं है, रातों का जागना, भूख प्यास का सहना, हर किस्म की शक्ति बर्दाश्त करना, मन को ख्वाहिशात से मोड़ना, ये कोई आसान काम नहीं है। फिर फरमाते हैं कि ये सब कुछ तभी होगा जब मन में सिवाय सतगुरु के प्यार के फेरे कर सकता है, ये प्यारे नहीं भजन नहीं कर सकता, ये प्यारा तो जिन्ना प्यारा तो क्या मनु डरू भी कितने निराश ना हो जाए किस तरीके ना, तो उन्होंने कहा ना रचित भाव से डर रहे ओ गला दरगाह के कुत्ते नर दी गली कुत्ते भी पैर चुमदा सी, फिर फरमाते हैं कि ये सब कुछ तभी होगा जब मन में सिवाय सतगुरु के प्यार के और कोई मोहब्बत बाकी ना रहे। मिलके तो गए ना, चलो जीव एक एक सांस की चौकीदारी करे, बोल और देखे चित्त के अंदर गुरु के सिवाय और कोई शक्ल या ख्याल तो नहीं समा रहा, मन की निज लाग अंतर में गुरु चरणों में रहे, बाहर की दुनिया में मार्ग कार्य मात्र ही बरते तब कुछ बनेगा। फिर फरमाया सिमरन में इतना प्यार होवे कि पल भर में चित्त से सिमरन न बिसरे, पपिया के समान आग पर रख लगी रहे, जैसे सिमरन से जिसे सिमरन से प्यार नहीं उसे गुरु के इश्क की हवा भी लगी। बोल
बस इश्क इश्क लाया है, ठीक है हूं पता लगे इश्क का गल इश्क इश्क चिंते मिलया नहीं मिलता दात है जो देखता भी दिल सच्चा है पर्दा खोल दिंदा लगी रही दूजा भाग बोल दूजा भाग आना नारा जोड़ दी लवाज पांच सामने जन्म दाड़ा है की गल सारे सुते पे हो दान दान सतगुरु हाजिर हाजिर जिंदा दान दर शाह बलोचिस्तानी दान दान सावन शाह दान दान सतगुरु सुते सते कोई नहीं चिंता फिर लगी आ की है अच्छा तुम क्यों तर जाए लम्मा कम ना करी उन्होंने शब्द सुनना दान दान
हाँ सुनो भाई, पढ़ भाई, आयुष पढ़। इश्क आशियाँ सुनाओ भाई। हाँ इश्क इश्क लागी है। हाँ समझ तबरे साहिब मौलवी रूम साहिब फरमांदे हैं ना कि हे पुत्र रब दे आशिक दियां नौ निशानियां हैं। हाँ नंबर एक वो होके पढ़ता रहता है उस तों ठंडे साह निकलन लगते हैं। इस कारण उसका रंग पीला पै जाता है। वो मालक दा वसाल करना चाहता है पर उसके वस की गल नहीं। मालक की याद आवन से अखां रो देंदियां। उस दे दिल की लगी ज्वाला नूं हंझुआं दा पानी बुझा नहीं करता। जब देखो उसके नैण सदा परे ते तर रहिंदे हन। वो घट खांदा है, घट सौंदा है, भूख नींदर उस पर हराम हो जाती है। आहो जारी बेकरारी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਗਈ ਮਲੋਟ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ ਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਿਓ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਬਈ, ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮਿਸਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਮ ਸਹਿਮਾ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਕਿ ਰਾਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਮਗਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਏਡਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਂਡੂ ਵਰਗੀ ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੁਟੰਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਸੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਾਸ ਕਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੇ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ ਹਰਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦ ਫਲ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ। ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਟਾ ਇਲਮ ਪੜਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪੀਏ ਸੋਈ ਹੋਵੇ
ऐसा खेल रचाया, मौज दे हाथ चढ़ेगा जरा उसने नहीं धोखा कोई, मौज तहादर नादर रजी करके देखो कोई। कौन चढ़ता मौज दे हाथ? सुनो भाई, और भाई एक नवी गल सुनाने तुम, जेडी थोनू ख्याल च भी नहीं, बड़िया ने पर थोड़ी याद नहीं। सुनो भाई, सुनो भाई, पढ़िया तो होनी नहीं याद किसी नू नहीं। फिर इस तो बाद भादो दे महीने वीरवार वाले दिन साधु सत्संगी ने बाबा जी महाराज दे अगे अर्ज कीती कि मैं आप दे सवाए किसे नू नहीं मन्नांगा। जो ये कहने ने, सुनो। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया कि तुसां लोकां दा कदी उधार नहीं होवेगा। फिर एक सत्संगी ने अर्ज कीती कि सच्चे पातशाह जी मैं ते बहुत ही भुलिया होया हां जी, कृपा करके समझाओ जी। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया कि 10 पातशाहियां अगे होईयां हन, उन्हां नूं भी किसी विरले पछाणिया है, उन्हां नूं जिन्हां ने पछाणिया है सो जन्म मरण तो रहत हो गए हन। सो इसे तरह सानू भी गुनान साहब नूं सुन रहा हूं, उन्होंने गुनान साहब ने गुरंग साहब थापिया किने पछाणिया, मुंडे ने अड्ड अड्ड पंच ला ले सारे परे होवे गए। सोचो इहदा नाम ओ थापे जिहड़ा थापिया है उन्हें तो कोई कदर नहीं। हां हां जी, गुरंग साहब दे लड़के ने लत्त मारी अगे तो पृथ्वी चंद सारी उन्हें मुखालफत करता रहा, वो गुनाह ना मन्निया। हां सुनो, सो इसे तरह सानू भी किसे विरले पछाणिया है। फिर बाबा जी महाराज ने फरमाया कि जिसनू संत प्रतख बैठे मुकर्र करदे हन ओह उन्हां दा ही स्वरूप हुंदे हन। और फिर फरमाया कि जिसनू असीं मुकर्र करांगे ओह साडे कोलों भी तेज वाला होवेगा। ओह हुकम मन्नणा ही भजन, बाकी कोई नहीं, अपने मन दी तालीम ते मन्नणगे, उन्हां दे हुकम ना किसे ने मन्निया। बोल, मन मते ते चीते हैं, जिहड़ा असीं करदे ओह तां सतगुरु करदा, जिहड़ा हुकम कर गए ने ओह सतगुरु नहीं करदा। बोल भाई, कैसे मखण है, वो तो सतगुर नहीं करता है, जेड़ा असि मन ने कीता सतगुर ने कराया। बस इश्क है साडा, कैसे ठीक है कहना जेड़ा तो असि कीता वो सतगुर कराउंदा पिया, मन नहीं कराउंदा जो खास भजन करके सामने वो झूठा नहीं साहब। एक दफा बड़ा एक प्रेमी सी हजूर डिलीवरी गए सन, उसने चिट्ठी लिखी हजूर नूं बड़ी बड़ा हजूर ओहदे मुतालिक एक शेर लिखा, उन्हें लिखा इश्क का मनसब जिस दम लिख दिया मेरी तकदीर में, इश्क का मनसब जिस दम लिख दिया मेरी तकदीर में, आह की नकदी मिली शेरा मिला जागीर में। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, ये हजूर सच्चे पातशाह ने उन्हें जवाब दिता जिसने इश्क का मेरी किस्मत लिख दिता तो मेनु मिला की आदि रात मिली नकदी शेरा मिला जागीर में। बेरामी जागीर सच भाषा क्या करते उस बेरामी च मजा ही बड़ा है, करे तो सही बेरामी च मजा ही बड़ा है। हां जी बहुत लम्मा ना कर, फिर आप ही आप एक उन्होंने शब्द भी है कोई बलोचिस्तान का।
एक आदमी कोल खड़ा रहे हैं, चक लिया करो। देख लो तुसी, सुनो भाई, ये देख लो जेड़ा असी करदे सद मन करा लैंदा वो तो सतगुरु करांदा, जेड़ा उन्हां दा वचन होगा वो झूठा है, वो नहीं। मोटी बुद्धि दे लोग वेख के मोटा इलम पराया, मेरा सतगुर नाल है मेरे कौंदा तुहाडे कम आया, मस्ताना मस्ताना करदे रहना बिल जिस ए इलम पराया, जिसनू जपिए सोई ओ होवे ऐसा खेल रचाया, मौज दे हाथ चढ़ेगा जेड़ा उसनू नहीं धोखा कोई, मौज ता हाजिर नाजिर रहदी करके वेखो कोई, और दे हाथ चढ़ेगा जेड़ा अपना आप ओ जाने, बख्शे बावे रखे उसनू ए ता मौज ही जाने। ओ लिखा पिया जेड़ा मौज दे हाथ चढ़ूगा, भजन ते कोई ना रहा सोच सवेरा दाता कद मेरे देवी रंग चढ़ सी गा तेरा, थोड़ी गल जवाब आजूगा तो पढ़ के चले जाएगा। वो जल साते पूछे से अंदर है, उसमें हुक्म से कुल दा मिले कमाल जिदे चों ओ है जुद चंगी, प्यो दे लक्षण पैदा होवन तायो पुत चंगेरा। सुनाया कहना जी गल प्यो हो शाहूकार, मुंडा दर दर मंगदा फिरे, जी कहने पुत कोई बने भी चुप कर गया, कहने असी कहना मैं सवाल किया मसान जी, कहते पुत बने भी कहने ਹੁੰਦਾ ਵੇਲਾ ਜਾਨ ਸੁਹੇਲਾ ਸੰਭਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕਰ ਹੀ ਅੰਬਲ ਹੁਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਾਨ ਸੁਹੇਲਾ ਸੰਭਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕਰ ਹੀਲਾ ਢੂੰਢ ਵਸੀਲਾ ਮਾਰ ਜਵਾਨਾ ਅੰਬਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੰਗਲ, ਜਿੱਤ ਵੇਲੇ ਆ ਮੌਤ ਕਹੇਗੀ ਉੱਠ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੁਰ ਚੱਲ। ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਟੇਪ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਰਖਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਈ ਵਰਖਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ ਵਿਚ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਵਣ ਮਾਹ ਵਿਚ ਸਾਵਣ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਈ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ, ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਰੁੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਪਾਰ ਆਇਆ, ਤਪਦੇ ਦੁਖਦੇ ਤੇ ਸਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਝੂਠ ਪਾਪ ਤੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਪਾਪ ਤੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਆਇਆ, ਰੂਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦੁਆਰ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦਾ
ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਲਈ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੁਖੀਆਂ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆਇਆ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵੰਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵੰਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਦਾਤਾਰ ਆਇਆ ਰਵੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ ਭਰ ਕੇ ਜੋਲੀਆਂ ਨਿੱਤ ਲੈ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਭਰ ਕੇ ਜੋਲੀਆਂ ਨਿੱਤ ਲੈ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਭੰਡਾਰ ਆਇਆ ਉਸੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਉਸੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀਦਾਰ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀਵਣੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਈ ਹੋਵੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਦਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਧਾਈ ਨਾਈ ਕੇ ਅਸਾਰਾ ਜੀ ਨਾਈ ਦੇ
हाँ जी।